हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विशाल प्रजापति। मैं आप सभी को आज ग्रसनी तथा ग्रास नली के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं पाचन तंत्र के फर्स्ट आर्यन के बारे में बता चुका हूँ, जो मुख है। ग्रसनी देखिए, ग्रसनी की लंबाई जो होती है 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी नाक, मुख तथा स्वर यंत्र, जिसे कंठ कहते हैं, के पीछे स्थित होता है। ग्रसनी ग्रास नली में खुलता है। अब देखिए, ग्रसनी की लेयर कितनी होती है। तीन लेयर होती है इसकी। एक म्यूकस लेयर होती है, एक सब म्यूकस लेयर होती है और एक मस्कुलर लेयर होती है। अब आगे देखिए, ग्रास नली यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई का तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का होता है। यह एक प्रकार का मस्कुलर ट्यूब है। ग्रास नली पीछे की तरफ आमाशय में खुलता है। अब इसकी भी देखिए चार लेयर होती है। एक होता है पहला लेयर होता है सेरोसा, एक सब मस्कुलर, एक सब म्यूकोसा लेयर, एक म्यूकस लेयर। जैसे देखिए, ये हमारा जैसे ओसोफेगस बना है, इसमें देखिए ये फर्स्ट लेयर। इसी प्रकार चार लेयर बनी होती है। जैसे पहला वाला देखिए सिरोसा हो गया, दूसरा सब मस्कुलरीज हो गया, एक सब म्यूकोसा हो गया, ये वाला हो गया म्यूकोसा लेयर। इसी प्रकार ऐसे होता है। डायग्राम से देखिए, ये उसका डायग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ये देखिए, जो पाचन तंत्र में कल बताया था वो स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी जल्दी। ये आज वाला है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसे अधिक से अधिक शेयर करें।